I'm Priyanka, I'm back again with my new chapter, The Merchant of Venice. Antonio was a merchant who lived in Venice. Antonio एक merchant है जो Venice में रहता है. A prosperous city है, बहुत developed city है Italy का. In those days, that is about 500 years ago. उस time की बात है जब 500 years ago पहले sea voyages were dangerous. Sea voyages जो थे वो बहुत dangerous हुआ करते थे. And yet some adventurous merchant traveled across the sea. Some others spent a lot of money in spending ships to far away country. कुछ लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते थे ships को send करने के लिए दूसरी countries में. This ship brought back spices. ये ship से spices आते थे, treasures आते थे India से and other countries. The merchants sold this thing in Europe. और ये merchants इनको Europe में sell करते थे. They made a lot of profit in their business. वो अपने business में बहुत profit कमा रहे थे. At the time when the story began, जैसे ये story start होता है, Antonio was waiting for his ship to return to his merchandise. Antonio wait करता है अपने ship के आने का. He had put almost all his money on the ship. उसने अपनी पूरी पूरे पैसे उस ship में लगा दी थी. Antonio was a kind man. He had many friends. उसके वो बहुत ही kind man था, इसके लिए उसके पास बहुत सारे friend थे. But his best friend was Bassiano. लेकिन उसका जो best friend था वो था Bassiano. Bassiano was a young and handsome noble man. But unfortunately he had no money. वो बहुत ही ज़्यादा young और noble handsome man था, but उसके पास कोई पैसा नहीं था. Bassiano wanted to marry Portia. Bassiano को पोर्शिया से शादी करनी थी. पोर्शिया वॉज अ ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट. शी वॉज अ ओनली डॉटर ऑफ वेरी वेल्दी मैन. वो बहुत ब्यूटिफुल और इंटेलिजेंट थी. वो एक लौती बेटी थी अपने वेल्दी पापा की. हर फादर हैड डाइड. उसके पापा की डेथ हो गई थी. लिविंग हिज लार्ज स्टेट. और अपना पूरा स्टेट उस पर छोड़ के चले गए थे. इन हिज विल पोर्शिया फादर वाज रिटन हाउ पोर्शिया हस्बैंड शुड बी सेलेक्टेड. अपने विल में पोर्शिया के पापा ने मेंशन किया था कि पोर्शिया का हस्बैंड कैसे चुना जाएगा. ही हैड सेलेक्ट अ टेस्ट फॉर हर सूटर्स. उसने टेस्ट लिख के गए उस वो कुछ सॉर्ट ऑफ टेस्ट करके गए थे उनके हस्बैंड चुनने के लिए. दे हैड टू चूज बिटवीन थ्री कास्केट. उसको तीन कास्केट के बीच में एक कास्केट चुनना होता. एक कास्केट में गोल्ड रहता, एक में सिल्वर रहता और वन ऑफ लेड और एक लेड का होता. ईच कास्केट हैड समथिंग रिटन ऑन इट. हर एक कास्केट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था. ऑन द गोल्ड कास्केट इट वॉज रिटन हूसोएवर चूज मी शैल गेन द मेनी मैन डिज़ायर. जो मुझे चूज करेगा उसको हर वो कुछ मिलेगा जो भी वो चाहता है. ये गोल्डन बास्केट में कैसकाट में लिखा हुआ था. सिल्वर कैसकाट में लिखा हुआ था हूएवर चूजेस मी शैल गेट एज मच एज डिज़ायर. जो मुझे चूज करेगा उसको उतना मिलेगा जितना वो डिज़ायर करता है. ऑन द कास्केट ऑफ लीड हूएवर चूज मी मस्ट गिव मी हज़ार्ड ऑफ ऑल ही हैज़. और जो मुझे चूज करेगा वो मुझे सब कुछ दे देगा जो उसके पास है. वन ऑफ द पोर्शिया सूटर्स वॉज ऑन द प्रिंस ऑफ मोरक्को. ही चूज अ गोल्ड कैसकेट. एक प्रिंस ऑफ मोरक्को आया, उसने गोल्ड का कैस्केट यूज़ किया. बट व्हेन ही ओपन द कैस्केट द मैसेज इनसाइड सेड दिस इज़ नॉट द राइट कैस्केट. उसमें लिखा था कि ये सही कैस्केट नहीं है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. जो भी चमकता है वो गोल्ड नहीं होता है. अनदर सूटर द प्रिंस ऑफ एरगन चोज अ सिल्वर कैस्केट. दूसरा प्रिंस आया, उसने सिल्वर कैस्केट को टच किया. बट दैट टू वॉज नॉट अ राइट कैस्केट. वो भी सही कैस्केट नहीं था. बसिनो वॉन्टेड टू ट्राई हिज लक विद द कैस्केट. बसिनो चाहता था कि वो भी ट्राई करे अपना लक. सो डू दैट इट हैड टू ट्रैवल टू बेलमोंट व्हेन पोर्शिया लिव्ड इट टू हर स्टेट. ही नीड मोर मनी फॉर दैट वुमेन. एंड व्हेन एंटोनियो केम टू नो दैट ही वॉन्टेड टू हेल्प ही टोल्ड बसिनो टू बोरो मनी फॉर हिज नेम. वो बोलता है कि तुम मेरे नाम से पैसे ले लो. दे वेंट टू शाइलॉक. वो शाइलॉक के पास जाते हैं. ज्यूस ऑफ मनी लैंडर. वो मनी लैंडर का ज्यूस रहता है. एंड आस्क्ड हिम फॉर मनी. और उससे वो पैसे उधार मांगते हैं. शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी. शाइलॉक के पास बहुत पैसा था. बट ही वॉज नॉट एट ऑल जेनरस. लेकिन वो एकदम जेनरस नहीं था. मेनी पीपल ऑल दैट ही केयर्ड फॉर. वो सिर्फ मनी के बारे में सोचता था. ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो बिकॉज एंटोनियो समटाइम्स लेंड पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट. वो एंटोनियो को पसंद नहीं करता था क्योंकि एंटोनियो बहुत लोगों को पैसे उधार दे देता था बिना किसी इंटरेस्ट के. सो शाइलॉक डिसाइड टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. शाइलॉक सोचता है कि अब ऐसे सिचुएशन का मुझे एडवांटेज लेना चाहिए. इफ़ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months शाइलॉक कुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश एंटोनियो फ्लैश. वो बोलता है कि अगर तुम 3 महीने में पैसे नहीं रिटर्न कर पाए तो मैं तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट ऑफ फ्लैश काट लूँगा. एंटोनियो एग्री एंड बोरोड द मनी फॉर बसिनो. एंटोनियो बात मान जाता है
और वो मनी बोरो करके बसिनो को देता है. बसिनो वेंट टू बेलमोंट, बसिनो बेलमोंट चले जाता है. व्हेन ही सॉ द कास्केट ही चूज द लेड वन, जब वो कास्केट को देखता है वो लेड वाला चूज करता है. दैट वॉज अ राइट कास्केट एंड बसिनो वेयर पोर्शियस हैंडिंग बाई चूजिंग इट. पोर्शिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बसिनो, पोर्शिया बहुत खुश हुई बसिनो से शादी करके. इन द मीन वाइल शैलोक हर्ड दैट एंटोनियो हैड लॉस्ट हिज शिप. मीन वाइल ने बसिनो को पता चला कि एंटोनियो ने अपना शिप खो दिया. ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी. वो बहुत खुश हुआ कि अब एंटोनियो पैसे नहीं दे पाएगा. और उसको कोर्ट में बुलाया गया और डिमांड किया गया एक फुलफिल क्रूअल कंडीशन के लिए. ड्यूक लाइक्ड एंटोनियो एंड वाज सॉरी फॉर हिम. ड्यूक एंटोनियो को बहुत पसंद करता था तो उसके लिए उसको बहुत सॉरी फील कर रहा था. बट व्हाट कुड ही डू, एंटोनियो हैड रिटन अ बॉन्ड. बट वो कर भी क्या सकता था, एंटोनियो ने एक बॉन्ड लिखा था और वो लॉ के अकॉर्डिंग था. When Bassino and Portia heard all this, they rushed back to Venice. जब दोनों ये बात सुनते हैं वो दौड़ के वेनिस आते हैं. Portia told Bassino to pay Shylock twice the amount to save Antonio. Portia बोलती है कि Bassino को वो अमाउंट पे कर दो Shylock को, जितना उसने दिया है उसका डबल उसे वापस कर दो. बट Shylock was adamant. He demanded only a pound of Antonio flesh. बट Shylock इस बात को एग्री नहीं करता है और वो बोलता है कि मुझे तो सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश ही चाहिए. एवरीवन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द ड्यूक फेल्ट दैट Shylock डिमांड वेयर इनह्यूमन. सबको जानते थे कि Shylock की डिमांड इनह्यूमन है. ड्यूक आस्क्ड Shylock टू शो मर्सी टूवर्ड्स एंटोनियो बट Shylock वॉज नॉट रेडी टू डू सो. ही फेल्ट दैट एंटोनियो एंड अदर्स हैड ट्रीटेड हिम बैडली बिफोर एंड ही वॉन्टेड रिवेंज. उसको सिर्फ रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा था. जस्ट देन यंग लॉयर एंटर टू द कोर्ट. उसी समय एक यंग लॉयर कोर्ट एंटर करता है. ही सेड दैट ही वुड फाइट एंटोनियो केस. वो बोलता है कि मैं एंटोनियो का केस लड़ूंगा. ही आस्क्ड एंटोनियो वेदर ही हैड एग्री टू Shylock कंडीशन. वो पूछता है कि क्या आपने एंटोनियो Shylock के कंडीशन को एक्सेप्ट किया. एंटोनियो सेड दैट ही हैड एग्रीड, हाँ मैंने एग्री किया था. Then the young lawyer requested Shylock to show mercy through the law was on Shylock's side. The lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. Lawyer बोलता है कि अगर आप किसी पर mercy करोगे तो ये quality of God की है. So a person shows need to show mercy, तो आपको mercy दिखानी चाहिए. They both were blessed. Mercy was more valuable than a king crown. Mercy उससे ज़्यादा valuable होता है king crown से भी ज़्यादा. But all that had no effect on Shylock. But Shylock पर किसी भी चीज़ का कोई effect नहीं पड़ा. The young lawyer then said that the law allowed Shylock to take a pound of flesh. Law allow करता है कि वो एक pound of flesh उससे ले ले. And he could do that. At the same time, the lawyer warned that while cutting out the flesh, Shylock should not shed even a drop of Antonio's blood. लेकिन Shylock ने बोला कि उसने lawyer ने बोला ठीक है, इस bond में लिखा है कि आप इससे एक पाउंड ऑफ फ्लैश ले सकते हो, लेकिन आप फ्लैश तो कट करोगे लेकिन एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरना चाहिए. अगर एग्जैक्टली कट वन और सिर्फ एक पाउंड ही कट करना है, नथिंग एल्स नथिंग मोर, देन व्हाट नॉट अलाउड बाय द लॉ, क्योंकि वो अलाउ नहीं होगा लॉ से. Shylock रियलाइज दैट ही कुड नॉट डू द यंग लॉयर्स आस्क्ड हिम टू डू एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट. वो सोचता है कि उसने जो बोला है वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा और वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है. एंटोनियो लाइफ वॉज सेफ, एंटोनियो की लाइफ बच जाती है. Who was a young lawyer? वो young lawyer कौन था? Bassino and Antonio found out later that it was none other than Portia herself, dressed in a young man. बाद में पता चला कि वो young lawyer और कोई नहीं बल्कि Portia थी. Later it was learned that Antonio's ship was safe. बाद में पता चला कि Antonio की जो ship है वो भी safe है. So he had not in fact lost his money. तो उसने अपना money भी lost नहीं किया. Thus the story, which could have ended in a tragic manner, ended happily. Thank you.